ये है एसटीसी लोको का डीजे कंट्रोल सर्किट। तो कन्वेंशनल लोको का जो डीजे कंट्रोल सर्किट है उससे थोड़ा सा अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये पोर्शन एक्स्ट्रा डाला गया। ये CCINV फ्यूज़ है एसटीसी का, 6 एम्पियर का फ्यूज़ है। यहाँ से फीड आ रहा है, ये QSVM का 2 इंटरलॉक है, नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक, नॉर्मली ओपन इंटरलॉक। तो जब BLVMT ओपन है उसी टाइम में QSVM का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज होता है और इधर से फीड आता है। ये है QV60 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक। DJ जब क्लोज रहेगा उस टाइम में QV60 डीएनर्जाइज रहता है। तो QV60 डीएनर्जाइज है यानी कि DJ क्लोज है, तो इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज रहेगा और ये इन्वर्टर यानी कि स्टैटिक कन्वर्टर का जो है इसमें फीड चलाएगा और स्टैटिक कन्वर्टर काम करेगा। और हम लोग जब BLVMT क्लोज करते हैं तो C105, C106, C107 का साथ साथ QSVM रिले भी एनर्जाइज हो जाता है और QSVM एनर्जाइज होने से उसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन हो जाएगा, इसीलिए STC में फीड आना बंद होगा। इसके कारण LSC HVLM जल जाता है और फिर 2 सेकेंड बाद में इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज होके फिर से इसमें फीड आने लगता है। और इसका 2 रिले है, एक है QCON, एक है QSIT। ये जो QCON रिले है इसको बोला जाता है स्टैटिक कन्वर्टर का ऑन सेंसर। स्टैटिक कन्वर्टर जब फुल फ्लेज में चालू हो जाता है उसी टाइम में QCON रिले एनर्जाइज होता है और इंटरनल या एक्सटर्नल फॉल्ट के कारण जब QSIT रिले एनर्जाइज होता है तो उस टाइम में क्या होता है, ड्राइविंग डेस्क में LSSIT लैम्प जलने लगता है और ये QSIT रिले एनर्जाइज होता है। QSIT रिले एनर्जाइज होने से MTDJ ब्रांच का ऊपर में आप देख सकते हैं ये सभी सेफ्टी रिले का जैसा एक नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक यहाँ पे रखा गया है। तो QSIT रिले यानी कि ट्रिप सेंसर ऑफ STC, QSIT को बोला जाता है ट्रिप सेंसर ऑफ STC। ये रिले जब एनर्जाइज होगा यानी कि इंटरनल फॉल्ट या एक्सटर्नल फॉल्ट के कारण, तो MTDJ ब्रांच का ऊपर में उसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन होके ये DJ को ट्रिप करा देता है। और एक्स्ट्रा आइटम देखिए, इसमें Q118 ब्रांच का ऊपर में एक रिले है QCON, उसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक को रखा गया है। ये QCON रिले हम आपको बताया था, QCON रिले है STC का ऑन सेंसर। STC जब चालू होता है उस टाइम में QCON रिले पिकअप होता है और शुरू में इनिशियली जो Q118 में फीड आता है वो इधर से आता है, वो फीड ये रास्ता से आता है। और ये जो QCON रिले है ये QCON रिले का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक एक है Q118 ब्रांच का ऊपर में और एक है LSC HVA LAM का ऊपर में। और यही QCON रिले का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक कॉम्प्रेशर सर्किट का ऊपर में है। तो यदि ट्रैवल शूटिंग का दौरान QCON को एनर्जाइज कंडीशन में वेज करने का ज़रूरत हुआ तो इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन हो जाएगा और Q118 में फीड नहीं आएगा। तो उसी टाइम में जब आप QCON को एनर्जाइज्ड कंडीशन में वेज करते हैं DJ क्लोज करने के लिए Q118 को मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा। ये जो है ये है C108 MVRF का जो है MVRF का कॉन्टैक्टर C108 है। आप जब RB लेते हैं, MP को जब P में लेकर जाते हैं और जब तीनों CTF ब्रेकिंग में आ जाता है उस टाइम में पहले C107 कॉन्टैक्टर ओपन होगा
उसके बाद C108 कॉन्टैक्टर क्लोज होगा। C108 कॉन्टैक्टर क्लोज होने से इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा और MBRF चलेगा। MBRF चलने से उसका रिले QVRF एनर्जाइज होगा और QVRF एनर्जाइज होने से ड्राइविंग डेस्क में LSDVR लैंप एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगा। इसीलिए STC लोको में आप देख सकते हैं MP को P में रखने का साथ साथ LSDVR लैंप एक्सटिंग्विश हो जाता है। ये तो एग्जिस्टिंग सर्किट है, लेकिन VCV लोको में EFDJ और MTDJ को मार्च करके एक ही कॉयल बनाया गया है जिसका नाम है DJ कॉयल और VCV कॉयल। इसमें देखिए, इसमें जैसा कॉन्वेंशनल लोको में एक साइड में था DJ का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, एक साइड में था C118 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, इसमें C118 को हटा के Q45 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा दिया। ये है VCV का सर्किट।